दोस्तों, हम जो भी खाना खाते हैं उनमें कुछ न कुछ टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं। ये टॉक्सिन्स या तो ग्रीजी पार्टिकल्स हो सकते हैं जो आपकी आंतों में चिपक जाते हैं, या फिर दूसरे छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि खाने के जरिए आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं। अगर आपको सिगरेट या अल्कोहल पीने की आदत है तो ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में जमा होते हैं। आप जो भी खाना खाते हो वो आपके पेट में से पचकर आपकी आंतों में जाता है। आपकी आंतों में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके खाने को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड में पहुंचाते हैं, और फिर आपका ब्लड इस खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करके उसे बॉडी के अलग अलग हिस्से में पहुंचाता है। आंतों की इस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को विलस स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर आप बहुत सारी ऑयली और ग्रीजी चीज़ें खा रहे हो, जैसे कि तली हुई चीज़ें, बर्गर, पिज्ज़ा या मेयोनीज, तो ये सारी चीज़ें आपकी आंतों में जाकर के चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से आपका खाना सही से एब्जॉर्ब नहीं होता। साथ ही ये ग्रीजी चीज़ें हार्मफुल बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है। इस वजह से आपके पेट में हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब चीज़ें खा रहे हो तो आपको पेट की बीमारियाँ होना तय है। यूजुअली इन ग्रीजी चीज़ों के साथ डर्ट और दूसरे छोटे टॉक्सिन्स भी चिपके हुए होते हैं। अक्सर हमारी आंतें इन चीज़ों को भी ले जाकर ब्लड में मिक्स कर देता है, जिससे आपका खून पॉल्यूट होने लगता है। फिर हमारा ब्लड इन सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में ले जाकर डिपॉजिट करता है। अगर ये ग्रीजी टॉक्सिन्स हमारे नस में चिपक जाते हैं तो हमारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर ये हमारी किडनी में डिपॉजिट होने लगते हैं तो किडनी स्टोन में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर ये लंग्स में डिपॉजिट हो गए तो हमें खांसी और दूसरे लंग्स की बीमारियां हो सकती हैं। अगर ये फेस या स्किन पर डिपॉजिट्स होने लगें तो ये रैसेस, पिंपल और तरह तरह के दाने होने लगते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप इन टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से समय समय पर साफ करते रहें। इससे आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, आप एनर्जाइज फील करोगे, आपका खाना भी पचने लगेगा और आप लॉन्ग टर्म में एक हेल्दी लाइफ जी पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नेचुरल तरीके बताऊंगी जिनकी मदद से आप इन टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। इन तरीकों को बताने के अलावा मैं आपको वीडियो के अंत में एक ऐसा सप्लीमेंट बताऊंगी जिससे आप सोते हुए भी अपनी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए एक एक करके उन तरीकों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 है फास्टिंग। दोस्तों, अगर आप हफ्ते में एक दिन फास्टिंग कर लेते हैं तो आपकी बॉडी खुद को साफ कर लेगी। प्रॉब्लम ये है कि आपकी स्टमक और इंटेस्टाइन में बार बार खाना जा रहा होता है और इस वजह से आंतों के ऊपर बार बार कुछ ग्रीजी डर्ट जमा होता रहता है। इस तरह से हमारे आंतों को खुद को साफ करने का मौका ही नहीं मिलता। अगर आप अपने पेट और आंतों को हफ्ते में एक दिन छुट्टी दे दें, यानी कुछ नहीं खाएं, तो वो खुद को साफ कर लेंगे। आपकी आंतें सारे टॉक्सिन को ब्लड में मिक्स कर देगा और वो सारे टॉक्सिन्स पसीना और यूरिन के जरिए आपकी बॉडी से बाहर हो जाएंगे। अगले दिन जब आप खाना खाओगे तो वो अच्छे से पचेगा और आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। नंबर 2 है एक्सरसाइज। दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो पसीने के जरिए आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इसलिए दिन में आप 20 से 30 मिनट तक कुछ हैवी एक्टिविटी जरूर कीजिए, जिससे आपको खूब पसीना बहे। इस दौरान आप जमकर पानी भी पीजिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे से पसीना प्रोड्यूस कर सके। नंबर 3 है ड्रिंक लेमन वाटर। दोस्तों, नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन सी आपके सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सिर्फ यही नहीं, ये आपकी स्किन, आपके ब्लड वेसल्स और बोन्स को भी हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपको चोट लगती है तो ये उसे जल्दी भरने में भी आपकी हेल्प करता है। आप जब भी सुबह सोकर उठते हैं, आप सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट एक गिलास पानी में आधा नींबू डालकर उसे पी लें। इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और वो पानी आपकी आंतों में चिपके ग्रीजी पार्टिकल्स को साफ कर देगा। जब सुबह सुबह विटामिन सी आपके ब्लड में जाएगा तो आपके सेल्स में जमा टॉक्सिन्स रिमूव होंगे और सेल्स में जो भी डैमेज हुआ है वो रिपेयर होने लगेगा। आप एक महीने तक रोज सुबह नींबू पानी पीजिए और फिर देखिए आपकी स्किन ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगी
और आपके अंदर एक अच्छा सा निखार आने लगेगा। नंबर 4 है इंक्रीज फाइबर इन योर डाइट। दोस्तों, फाइबर के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये आपके खाने को पेट और आंतों में अच्छे से मूव करने में मदद करता है, जिससे आपकी आंतों में ग्रीजी सब्सटेंस चिपक नहीं पाते हैं। इसलिए आप अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ा दीजिए। फाइबर आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स में मिलता है, मोटे अनाजों जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी वगैरह में मिलता है, तो इसलिए आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। इनके अलावा आप इसबगोल ले सकते हैं। आप रोज रात को पानी के साथ इसबगोल खा सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा फाइबर है। नंबर 5 है ईट एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड। दोस्तों, अनार और कॉफ़ी में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपके सेल्स में फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर देते हैं और उन्हें अच्छे से रिपेयर करते हैं। दोस्तों, इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। इन तरीकों को करने के साथ साथ आप वेस्टेज डिटॉक्स फूड पैच का भी यूज़ कर सकते हैं। वेस्टेज डिटॉक्स फूड पैच फुट रिफ्लेक्सोलॉजी पद्धति पर काम करता है। यह पैरों के तलवों के रास्ते शरीर के सारे टॉक्सिन्स यानी विषैले तत्वों को बाहर निकालकर शरीर को साफ कर देता है। ये फूड पैच जब हम सो रहे होते हैं तब काम करते हैं। वेस्टेज डिटॉक्स फूड पैच के एक पैक में 5 दिन के लिए फूड पैच होते हैं, जो पाउच में होते हैं और इसके साथ स्टिकर भी होता है। इसको आपको अपने पैरों के तलवों में लगाना होता है। इसको रात को सोने से पहले लगाना होता है। अब आइए जान लेते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं। सबसे पहले अपने पैरों को अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। अब इसको अपने पैरों के तलवों में लगाकर चिपका लीजिए और सो जाइए। सुबह होने पर आप इसे निकाल दीजिए। आप देखेंगे कि ये फूड पैच बहुत काले हो गए हैं। आप इसे लगातार 5 दिनों तक लगाइए। आप देखेंगे कि हर दिन इसका कालापन कम होता जाएगा। ये इस बात का प्रमाण होता है कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स कम होते जा रहे हैं। दोस्तों, वेस्टेज डिटॉक्स फूड पैच हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे हम कम बीमार पड़ते हैं। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ये बढ़ती हुई उम्र के प्रभाव को कम करता है। स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है, किडनी की सफाई करता है। अगर आपके पैरों में दर्द है तो ये उसको भी कम करता है, या आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों, वेस्टेज डिटॉक्स फूड पैच को यूज़ कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।